उपायुक्त महावीर कौशिक ने सामुदायिक केंद्र रतिया में रतिया खंड के नंबरदारों, ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटी व किसानों के साथ बैठक कर पराली जलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण बेहद चिंता का विषय है और प्रदूषित जहरीली हवा के कारण मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से हवा में घुलकर धुआं जहरीला हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं खासकर दमा एवं हृदय के रोगियों को काफी परेशानी होती है। दूषित वातावरण से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत व अन्य परेशानियां होती हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाना समाधान नहीं है, इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। पराली जलाने से जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहां खेत की जमीन को भी हानि होती है। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर, ब्लॉक स्तर व उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की हुई हैं। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद जिले के लगभग 60% धान की कटाई हो चुकी है और 40% धान की कटाई बाकी रहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन बारे जागरूक किया जाए और समझाएं, जो सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका उपयोग करें। जैसा आपको मालूम ही है कि पिछले 3-4 दिनों में जो वायु प्रदूषण का लेवल है काफ़ी बढ़ गया है और फतेहाबाद ज़िले का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी लगभग 350 है, जो कि वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। इस चीज़ के मद्देनज़र कल हमने टोहाना उपमंडल की जो ग्राम स्तरीय हमने कमेटी बना रखी है, उनकी हमने मीटिंग ली थी और लोगों को समझाया था। और आज उसी कड़ी में जो रतिया उपमंडल है उसकी जो गांव स्तर की जो कमेटीज़ हैं उनकी हमने मीटिंग आज बुलाई थी। ग्राम स्तरीय जो मीटिंग, जो ग्राम स्तरीय जो कमेटीज़ हैं उसमें जो गांव के ग्राम सचिव हैं, पटवारी, नंबरदार और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीओ या उसके समकक्ष जो अधिकारी हैं वो मेंबर्स हैं। तो इन सब को, जो पूरे रतिया उपमंडल के जो सारे टीम के मेंबर्स थे, इनको हमने आज बुलाया था और इनको एक तरह से यही कहा हमने कि भी आप अपने गांव-गांव में जाएं, जिस भी गांव में आपकी ड्यूटी है, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को समझाएं, ताकि जो लोग हैं वो पराली ना जलाएं और जो प्रदूषण लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा, हमने ये बताया है कि सरकार ने इस बार, जिसने भी जो